दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मुझे नागी ऐप से 22,000 रुपए तक का लोन मिला है। आपको भी ये लोन मिल सकता है। कैसे, तो मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कैसे आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हो और कैसे इस लोन को अप्लाई करने के बाद अपने अकाउंट में क्रेडिट करा सकते हो। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको दूंगा कि नागी ऐप से आप कैसे लोन ले सकते हो। तो आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूं नागी ऐप से कैसे आप लोन अप्लाई कर सकते हो और मात्र 5 मिनट के अंदर आपको इसमें लोन मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करने के बाद आप सीधे सीधे प्ले स्टोर पर चले जाओगे। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आप इंस्टॉल करना ऐप को, ऐप को इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना। ओपन करने के बाद आपसे आपका फोन नंबर मांगेगा। फोन नंबर डालने के बाद आपको एक ओटीपी आएगा, ओटीपी फिल आउट करना है। ओटीपी फिल आउट करने के बाद ये आपसे लोकेशन, डिवाइस, कॉन्टेक्ट और पे अलाउ मांगेगा। आपको अलाउ करना है, सारी परमिशन पे आपको अलाउ पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आप सीधे सीधे इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। आपको सारे ऑप्शन पे अलाउ क्लिक कर देना है, ठीक है। अब आपको ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें डाउनलोड कैश लोन आ रहा है उस पर क्लिक करना है। देन उसके बाद ये डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको क्या होगा, अब आपको ये बताएंगे कि आप कैसे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको टिक पर क्लिक करना है और गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। अब तो यहां पर ये मेरे से पैन कार्ड पे जो मेरा नाम है वो मेरे को फिल आउट करना है। देन नीचे डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ में मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद मुझे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद मैं सीधे सीधे इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाऊंगा। देन मुझे इसमें अपना पैन नंबर डालना है। पैन नंबर फिल आउट करने के बाद मैं सैलरीड हूं या सेल्फ एम्प्लॉयड हूं या अदर हूं, जो भी मैं हूं वो मुझे इसमें फिल आउट करना है। देन इसमें मुझे अपनी मंथली इनकम जो मेरे को है वो मुझे फिल आउट करनी है। जैसे मेरी 20,000 है तो मैंने 20,000 इसमें फिल आउट कर दिया। 20,000 फिल आउट करने के बाद अब ये मेरे को बताएगा मैं कितने लोन के लिए अप्लाई कर सकता हूं। देन उसके बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपको इजीली पता चल जाएगा कितना आप लोन ले सकते हो इस ऐप से। देन तो आप देख सकते हो मेरे को इसमें 22,000 रुपए तक का लोन इसमें मिल रहा है। आपको भी लोन मिल सकता है, सेम इसी प्रोसेस से आप अप्लाई करना। 22,000 रुपए का लोन इसमें मेरे को मिल सकता है और इसमें जो ईएमआई बनेगी 9 महीने की वो 2,800 रुपए बनेगी और 7 महीने की 3,500 रुपए इसमें ईएमआई बनने वाली है। अब मेरे को क्या करना है, वेरीफाई बैंक पे क्लिक करना है। देन वेरीफाई बैंक पे क्लिक करने के बाद मेरे को इसमें अपना बैंक अकाउंट फिल करना है। तो मेरा जो बैंक नेम है वो मेरे को इसमें फिल आउट करना है। जैसे मेरा HDFC बैंक है तो मैंने HDFC लिख दिया। HDFC क्लिक करने के बाद मेरे से इसमें पूछेगा मेरा IFSC कोड क्या है, तो मेरे को इसमें अपना IFSC कोड फिल आउट करना है। देन इसमें जो भी मेरा IFSC कोड है वो मेरा ये ले लेगा। देन उसके बाद मेरे को इसमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देन इसमें नीचे मेरे को अकाउंट नंबर का ऑप्शन आएगा, तो मेरे को इसमें अपना अकाउंट नंबर फिल आउट करना है। जो भी मेरा अकाउंट नंबर है वो मैंने इसमें फिल आउट कर दिया है। उसके बाद मुझे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मेरे को ये नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मैं इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाऊंगा। देन उसके बाद मेरे अकाउंट में 1 रुपए आएगा वेरिफिकेशन के लिए कि रियल में ये आपका ही अकाउंट है या किसी और का अकाउंट है। तो 1 रुपए आएगा। 1 रुपए रिसीव करने के बाद आप देख सकते हैं 1 रुपए आने के बाद बैंक डिटेल मेरी वेरीफाइड हो जाएगी। बैंक डिटेल वेरीफाइड होने के बाद ये मेरे से ये ऑप्शन मांगेगा। तो बैंक डिटेल वेरीफाइड होने के बाद मेरे को ये सीधे सीधे इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाऊंगा। बाद यहाँ मेरे को अपनी कंप्लीट KYC करानी है। कंप्लीट KYC में मेरे से सेल्फी मांगेगा और नीचे मेरा योर एड्रेस का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इसमें पहले अपनी सेल्फी दे देता हूँ। सेल्फी देने के बाद इसमें सेल्फी दोस्तों ऐसे देना कि आपके पास लाइट की प्रॉपर लोकेशन होनी चाहिए, वरना आपका लोन रिजेक्ट भी हो सकता है। देन उसके बाद मैंने इसमें अपना सेल्फी दे दी है। सेल्फी देने के बाद मेरे को ऑप्शन नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मेरा आधार भी वेरीफाई हो गया है, सेल्फी भी वेरीफाइड हो गया। अब मेरे को वीडियो KYC करनी है। दो ऑप्शन आ रहे हैं वीडियो KYC के लिए, एक डिजीलॉकर के थ्रू और एक मैनुअली। तो दोस्तों मैनुअली करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, डिजीलॉकर के थ्रू करोगे तो आपका जो KYC है बहुत जल्दी हो जाएगा। तो डिजीलॉकर पे हम क्लिक करेंगे। डिजीलॉकर पे क्लिक करने के बाद पे क्लिक करना है, देन ऑथेंटिकेट आधार पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर मुझे अपना आधार कार्ड डालना है और उसके बाद आधार कार्ड डालने के बाद नीचे कैप्चा फिल आउट करना है। तो मैंने इस पे अपना आधार कार्ड फिल आउट करता हूँ। आधार कार्ड फिल आउट करने के बाद नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी फिल आउट करना है और ओटीपी वही आएगा जो आपने स्टार्टिंग में अपना फोन नंबर डाला है उस पर आपको एक ओटीपी आएगा। तो मेरे पास ओटीपी आया। ओटीपी फिल आउट करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ 6 डिजिट का पिन डालना है, 1 2 3 4 5 6 जो भी आपका पिन होगा वो आपको इसमें फिल आउट करना है। देन उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब आपको अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप सीधे सीधे इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। अब ये आपसे पूछेगा कि आपकी ऑथेंटिकेट आधार, आपको दोबारा से अपने ऑथेंटिकेट, आप देख सकते हो आपका डिजिटल लॉकर के थ्रू आपने जो
ऑप्शन करा था वो क्लियर हो गया है, देन उसके बाद आप थोड़ा वेट करना, उसके बाद ये आपको बता देगा कि आपका लोन कहां तक पहुंचा है। अब आपकी एक वीडियो केवाईसी होगी, पर्सन होगा वो आपसे एक वीडियो केवाईसी लेगा, देन उसके बाद आपका ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा वीडियो केवाईसी हैज बीन कंप्लीटेड। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिल आउट करना है, जो भी आपका एड्रेस है उसे फिल आउट कर दोगे। एड्रेस को फिल आउट करने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ गया, जो आपने एड्रेस फिल आउट करा है नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद केवाईसी आपकी कंप्लीट हो गई है। अब आपको जो भी ईएमआई देनी है, किस डेट को देनी है वो इसमें फिल आउट करनी है। जैसे मुझे 11 तारीख को देनी है तो मैंने 11 तारीख पे क्लिक करा। अब गेट कैश पे क्लिक करना है। गेट कैश पे क्लिक करने के बाद एक मिनट के अंदर आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। अब आप देख सकते हो कैसे मैंने गेट कैश पे क्लिक करा और इंस्टेंट मेरे अकाउंट में ये पैसे आ गए। मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ कैसे ये अकाउंट में मेरे ये पैसे आ गए हैं, आप लाइव देख सकते हैं दोस्तों। इस पे लोन ले सकते हैं, आप देख सकते हैं मेरे अकाउंट में 22,000 रुपए आ गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ऐसी वैल्यूएबल कंटेंट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।